हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यहाँ पे टॉपिक दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स इन मीटर्स एंड टी इन सेकेंड, वॉट इज़ द यूनिट ऑफ ए एंड बी। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक्स है तो एक्स किस में होगा, लेंथ में होगा। तो डायमेंशनली यदि हम करेक्ट चेक करें सो एक्स भी लेंथ में होगा। सो लेंथ इक्वल्स टू ए इंटू टी। यस सर, लेंथ की डायमेंशन इक्वल टू ए इंटू टी की डायमेंशन। तो ए इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टी, तो इसका जो यूनिट बनेगी बनेगी मीटर पर सेकेंड। बोलिए ये सोनू। यस यस सर। और अगली एक्स मतलब अगेन कंपेयर करोगे तो एक्स को बी टी स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास में, एक्स मतलब कि लेंथ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। सो बी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, मतलब कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन फर्स्ट वाला। यस सर। अगला क्वेश्चन, 3.0 मीटर स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बदलना है एंड 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लीजिए, को अपन को न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, इसमें बदलना है, कैसे बदलोगे बताओ सर। किलोमीटर को सर, मीटर को पहले किलोमीटर में बदलेंगे। बिल्कुल सही, तो मीटर को किलोमीटर में बदलोगे इस तरीके से, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकेंड में 1/36 आवर्स, तो इसको करके ऐसे आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। और यहां पर देखो ये क्या है, एसआई यूनिट है, और इसको कन्वर्ट करके इसमें लाना है सीजीएस में। बोलिए एस्किनो। यस सर। तो न्यूटन कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन आप जानते हो, न्यूटन को यदि मैं ओपन करता हूँ तो न्यूटन पहले 1 न्यूटन कितना होता है पहले ये समझ लो, क्योंकि न्यूटन को पूरा आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। न्यूटन को आपको लिखना पड़ेगा, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है ML2 की पावर माइनस 2। अच्छा, डायमेंशन मतलब कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब एक ये तो न्यूटन था और साथ में मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, मतलब ये कितना हो गया, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। यस। अरे भाई, ये मैंने इसकी जगह लिख दिया ना न्यूटन की जगह, देखो इस न्यूटन की जगह मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, तो इस मीटर में 2 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, तो मीटर क्यूब बन गया। हाँ सर। जोर से बोलो। यस सर। हाँ, तो अब इसके बाद किलोग्राम स्क्वायर नीचे है तो डिवाइड कर दो, तो किलोग्राम स्क्वायर से तो एक किलोग्राम से एक किलोग्राम कैंसिल। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, बदल लीजिए इसको में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। yes, बोलो कौन सा नहीं बनेगा सर? बन जाएंगे सर, दोनों पक्का? हाँ सर। सेकंड वाला बन जाएगा कि नहीं बनेगा अभी भी? हाँ सर। सर उसको हाँ, तो अब ये अपना सिंपल क्या आ चुका है, इसके बाद ये आ चुका है मीटर क्यूब सेकेंड की पावर माइनस 2 और नीचे क्या है, किलोग्राम, ठीक है। यस यस सर। तो बस अब इसको कन्वर्ट कर देना, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड की पावर माइनस 2, तो सेकेंड की पावर माइनस 2 ही रहेगा और नीचे किलोग्राम की जगह कितना आएगा, 1000 ग्राम। क्लियर? 1000। यस सर। हाँ, तो बस अब ये सॉल्व हो जाएगा, अब ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। डन? यस सर, डन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है ये पर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। राइट द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर की केल्विन। यस सर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई द लाइट पास थ्रू ए न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 1.56
इंटू 10^-16 मीटर स्पीड ऑफ लाइट दी है। टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। हाँ, इफ अ फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अगर फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम लिए गए हैं फंडामेंटल यूनिट तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालना। कैसे निकालोगे बताओ? सर एनर्जी का फॉर्मूला लगा के उसमें पुट कर देंगे वो वैल्यूज, जैसे फोर्स का होता है MLT-2, एक्सेलरेशन का होता है ML2-T-2। कैसे हो जाएगा, कैसे कर पाओगे? एनर्जी की डायमेंशन फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म्स में लिखनी है। अच्छा तो Any सर idea? अपन उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे पहले। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे करेंगे बेटा, है ना। फोर्स एक्सेलेरेशन एंड टाइम दिया हुआ है तो इसको इसको करने के लिए आप मानोगे, क्योंकि आपको एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो आप लिखोगे एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की पावर ए, हाँ सर, एरिया की पावर बी और टाइम की पावर सी। क्लियर? यस सर। वहाँ पे इक्वालिटी अब की एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एमएलटी की पावर माइनस टू। क्लियर? ML2 टी की पावर माइनस टू, यहाँ इसकी पावर ए। बोलो बेटा। सर वहाँ पे इक्वालिटी जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा ना? एक्चुअली मैंने प्रोपोर्शनलिटी आएगा उसके बाद कांस्टेंट आएगा, तो मैंने डायरेक्टली डायमेंशन पे खेल दिया ना, दो लाइन आगे कर दी मैंने। अच्छा ओके। वो एक्चुअली करते तो होता वही, बट मैंने कहा उसकी तो जरूरत ही नहीं है, प्रोपोर्शनल आएगा, फिर कांस्टेंट को गैप कर देंगे और डायमेंशन में कांस्टेंट का कोई मतलब होता नहीं है। समझ गए? हाँ सर। बड़े बच्चों के जैसे सर। कर लोगे? अब समझ में आ गया? यस सर कर लेंगे। हाँ, अब इसके बाद इसके लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करो, उसके बाद इसका आंसर निकाल लो। एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। नो सर। क्या करेंगे इसके बाद बता दो जरा जनता को। सर इसके बाद अपन जैसे इसमें n की पावर 1 है, a की पावर 1 है, t की पावर माइनस 2, तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस 2, n की पावर, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मास की पावर को कंपेयर करेंगे, लेंथ को कंपेयर करेंगे, टाइम को कंपेयर करेंगे। क्लियर? उससे इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा बेटा इसका फाइनली FAT का स्क्वायर। चलिए